अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी फिरदौस फातिमा, मोटिवेशनल लाइफ बाय फिरदौस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई नो कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, आप लोगों को बहुत दिनों के बाद नज़र आई हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो सोचा कि चलो यार वापस से दोबारा से बैक टू यूट्यूब चैनल करते हैं, बैक टू फैमिली करते हैं। तो आज का व्लॉग छोटा सा है, बट इट्स लाइक मेरा पहला एक्सपीरियंस है। एक्चुअली नून से मैंने कुछ आइटम्स ऑर्डर किया था, तो सोचा कि आज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और उसमें लाइक चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एंड आई एम नॉट श्योर कि कैसा है कैसा नहीं है, मंगाया है कुछ, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग के साथ खोलूँ, आप लोग के साथ उसको अनबॉक्सिंग करूँ, ताकि जो है कि मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ तो इतने अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, विल ट्राई फॉर यू। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि यार दुबई चली गई हो लेकिन व्लॉगिंग तुमने छोड़ दी है, तुम बहुत अच्छा होती थी, तुम्हें बोलना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो सोचा कि चलो यार आज थोड़ा सा टाइम है, सैटरडे है, गिफ्ट भी मंगाए हुए हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं, एक छोटा सा व्लॉग भी बन जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और आप लोग को भी पता चल जाएगा यार मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें मंगाती हूँ और एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा और इसकी पैकिंग वगैरह कैसी होती है। तो पहले हमें पास दो बॉक्स है, आपको दिखाती हूँ। पास इस तरह के दो पार्सल्स हैं, एक ये बड़ा पार्सल है और एक ये छोटा पार्सल है। ठीक हो गया मेरा बड़ा पार्सल, एक हो गया मेरा छोटा पार्सल, दोनों आप लोग के सामने खोलूँगी। तीनों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और उसके बाद मैं रिव्यू भी दूंगी कि मुझे इसको यूज़ करके कैसा लगा। तो चलिए मेरे साथ अनबॉक्सिंग करते हैं, और आई नो कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हैं, तो इन्जॉय करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वो प्लीज़ मत भूलिएगा। मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, और एज इट इज़ मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन आपने मेरे बच्चों की पिक्चर देखी होगी, वो लोग एक ही बात कहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी उनके अम्मा की कि यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपनी बहन की इतनी छोटी सी मदद कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है यार जब वॉच टाइम बढ़ेगा, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत यार मैं भी तो कमा सकती हूँ ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास किसी भी किस्म का स्टैंड वगैरह भी मौजूद नहीं है, तो मैं जो है वो अपनी ब्लैंकेट को थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से रख रही हूँ सामने की तरफ, ताकि आप लोग को दिख जाए मेरा पार्सल। ठीक है, सो आई नो थोड़ा मैसी हो रहा है, इट्स ओके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये हमारे बड़े पार्सल से। ठीक है, सो ठीक है, देखिए उनका पार्सल है फ्रॉम मी, ओके। एंड इसको आए हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो हम इसको खोलते नहीं, हार देते हैं पूरी तरीके से। जब हार्ड दिया है तो गाइस हार देते हैं, तो नाउ ये हम इसको अच्छी तरीके से फाड़ चुके हैं। ठीक है, कैंची भूल गई थी, वो लेने गई थी कैमरा बंद करके, तो इसको मैंने अच्छे से फाड़ दिया है। सो नाउ हम इसको और मज़ीद कहाँ से फाड़ सकते हैं, क्यों चेक करिए, तो आई थिंक फाड़ना नहीं चाहिए, बहुत फाड़ा फाड़ी हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से थोड़े प्यारे से अंदाज में खोलने की कोशिश करूँ, बट खुल नहीं रहा। चलो वैसे फाड़ ही देना चाहिए, दिखाती हूँ ऑलमोस्ट। सॉरी स्टैंड नहीं है ना, क्या करें, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा चैनल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मुझे थोड़ी सी अर्निंग आएगी, तो मैं स्टैंड भी खरीद लूँगी। तो अच्छा, इसको मैं अच्छे से हार तो चुकी हूँ, नाउ आई एम ट्राइंग, ओके। ये इस तरीके से बॉक्स जो है ऐसे देख लीजिए। ठीक है, अब मैं
लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेनोवो का थिंकपैड। 2 साल हो गए दुबई में, अभी तक अपना पर्सनल लैपटॉप नहीं था, तो सोचा कि क्यों ना अपने लिए लैपटॉप ऑर्डर कर लिया जाए, क्योंकि हर दफ़ा किसी न किसी से शेयर करना पड़ता था, किसी से मांगना पड़ता था, अच्छा नहीं लगता था। सोचा कि अब फिर दोस्त बहुत हो गया है, अब अपनी चीज़ ले लेनी चाहिए। तो फाइनली मैंने अपने लिए लैपटॉप ले लिया है। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एक्स्ट्रा ये इसका चार्जर है, ये हम इसको यहाँ रखते हैं, ये कचरा है फेंक देते हैं। अच्छा, तो ये हो गया है मेरा थिंकपैड ओपन। अरे यार स्टैंड होता तो, अब आप लोग फॉलो करोगे, लाइक करोगे, थोड़ा सा अपनी बहन की हेल्प करोगे तो मैं भी स्टैंड ले सकूंगी। अच्छा जी, तो ये मैंने थिंकपैड ओपन कर लिया है। दिस इज माय लैपटॉप, नाउ दिस इज फाइनली माय पर्सनल लैपटॉप। सो नाउ आई विल शो यू द, मत देख रहे हो, वैसे ही मेरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, स्टैंड नहीं था ना तो स्टैंड बनाना था। तो ये हो गया मेरा लैपटॉप, ये हो गया मेरा चार्जर, इसको हम इस तरीके से फ़िलहाल के लिए ऐसे रख कर इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं। ये रहा थिंकपैड। फाइनली आई ओपन्ड माय लैपटॉप फॉर यू, ताकि वीडियो बनाऊँ थोड़ी थोड़ी सी, आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, मेरे बच्चे जैसे कहते हैं वैसे। तो फाइनली जो है मैंने लैपटॉप खोल दिया है, इसका चार्जर है, इसको मैं बाद में अपडेट करूंगी अपने हिसाब से। नाउ बैक टू द सेकंड पार्सल, सवार लेते हैं। अच्छा, सो नाउ दिस इज माय सेकंड पार्सल, ये भी इससे कनेक्टेड ही है, ऑब्वियसली बात है, लैपटॉप से, ये मेरा लैपटॉप है फाइनली, मेरा पर्सनल लैपटॉप। इसको शायद फाड़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम फाड़ लेंगे। क्योंकि ख़राब हो चुके थे, तो मैंने अब ये भी मंगा लेने चाहिए, लैपटॉप यूज़ करेंगे तो। एंड हाँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, जिसको लैपटॉप के ऊपर जो वो माउस एरर होता है, माउस कर्सर होता है, वो यूज़ करने नहीं आता, तो मैंने अपने लिए वायरलेस माउस मंगाया, बिकॉज आई एम ओल्ड स्कूल, और बगैर माउस के मेरे से लैपटॉप या सिस्टम नहीं चलता। तो फाइनली मैंने ये भी मंगा लिया, ये HP का है, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आपको लगेगा अब तक बच्ची, हाँ हाँ बच्ची हूँ, 30 साल की हूँ, तो क्या हुआ, एंड स्वीट 30। सो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है इस पार्सल में, वो है शायद ये ऐसे नहीं होगा, ये वो बबल रैपिंग आपने सुनी है, तो ये वो बबल रैपिंग है, तो मुझे बहुत पसंद है। मेरा माउस, बिकॉज आई एम ओल्ड स्कूल, तो ये मेरा वायरलेस माउस, ये हो गए मेरे एयरबड्स, एंड नाउ मेरा बबल रैप, जिसको अब मैं फाड़ूंगी मजे से। अब मैं अपने माउस से इस
को ऐसे कनेक्ट करके चला सकती हूँ। तो ये वाला भी हो गया है। चार्जर को मुझे नहीं पता, वो भी मैं देखूँगी। नाउ ओपन दिस, फॉर दिस आई नीड दिस। सो वी आर वर्किंग, स्टिल दे आर वर्किंग। लैपटॉप जो है ओपन कर लिया, मेरा सिस्टम ओपन कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। बेसिकली आप लोगों ने जाना है गूगल क्रोम पे, वहाँ जाके लिखना है यूट्यूब जैसे कि मैंने लिखा है, उसके बाद लिखना है मोटिवेशनल लाइफ बाय फिरदौस। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। सो कम हियर। मेरा एयरबड्स है, ये मेरा माउस है, ये इसका ये है। अब देखिए ये आप आ गए हैं गूगल पे। इस तरीके से आपने यहाँ ऊपर लिखना है यूट्यूब के चैनल पे मोटिवेशनल लाइफ बाय फिरदौस। इस पे आपने इस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ जाके ये जो सब्सक्राइब का बटन है, ये जो बटन है ये आपने ऐसे करके दबा देना है, ठीक है। ये ऑलरेडी सब्सक्राइब है इसलिए। उसके बाद ये देखिए हमारी सारी शॉर्ट्स वीडियोस आ गई है। और यहाँ जाने के बाद जो है वो देखिए, इतना बड़ा सब्सक्राइब क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा उसके लिए मुझे साइन इन करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो अभी मैं साइन इन कर लूँगी। बट ये देखिए, ये जो है वो मेरा कवर फोटो है, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। और इस तरीके से यहाँ देखिए सारी वीडियोस है जो अभी तक अपलोड हो चुकी है, बहुत सारी वीडियोस है। ये सारी आप वीडियोस जाके चेक कीजिए, इन सबको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। उस पर जाकर आप जो हैं प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए इस वीडियो को मैंने दबाया। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगी। चले हम शॉर्ट्स में चलते हैं ताकि इसकी साउंड क्वालिटी भी पता चल जाए। तो ये हमने एक वीडियो देख ली। अब मैं आपको दूसरी पुरानी वीडियो दिखा सकती हूँ, एक ये वाली। आजकल के होशियार तरीन बच्चे, जो बच्चे अपने मम्मा को तंग करते हैं, उनके सर पे सफेद बाल हो जाते हैं।
आजकल। इसके अलावा ये लास्ट वीडियो हम देखते हैं, फातिमा जाफरी ने बनाई थी मेरे लिए। इन मुश्किलों को झेल के आसान बना दिया, आजमाइशों पर हौसलों का आसमान चढ़ा दिया। बच्चों को बाप बन के पालने वाली माँ सुनो, तुमने तो खुद माँ का भी मान बढ़ा दिया। ये लाइक का बटन है, इस तरीके से आपने प्रेस करना है लाइक दिस वीडियो। ठीक है, नाउ बैक टू डैशबोर्ड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मैंने अपना लैपटॉप जो है वो ओपन कर लिया है, सेट कर दिया है। अब मैं इस पे मूवीज वगैरह चेक करूँगी और आज सैटरडे नाइट इस बात पर मूवी देखूँगी। काम के लिए भी है तो इस बात पर काम भी करूँगी। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो फाइनली इज दैट कि अनबॉक्सिंग हो गई है, वीडियो बन गई है। थोड़ी शायद छोटी होगी या बड़ी होगी, आई डोंट नो। जाहिर सी बात है, मैं मुझे एडिट करने के बाद पता चलेगा। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव। विल बी बैक अगेन विथ सम अदर वीडियोज। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बनाती रहूँ। जैसे मैं पहले व्लॉगिंग करती थी, पहले मैं अच्छे से बोलती थी, करती थी, एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे आपको वीडियोस मिलती थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। नॉर्मली वीडियोस होती है, मैं उसको एडिट करती हूँ और वही पोस्ट कर देती हूँ। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि यार मुझे दोबारा से बैक ऑफ होना चाहिए, लाइक बैक टू द वर्क होना चाहिए। और वैसे भी यार देखो एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी, शेर दो कदम पीछे रहता है बड़ी छलांग मारने के लिए। तो मैं भी सम हाउ अपने बाबा की शेरनी हूँ, तो मैंने शायद दो कदम पीछे लिए थे चार कदम के आगे की छलांग मारने के लिए। तो शायद वो वक्त आ गया है कि आप लोगों को छलांग मार के दिखा दिया जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आपको मेरी वीडियोज़ देखना मिलती रहेगी एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे सुबह 10 बजे यूएई टाइम के हिसाब से। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने मुल्क के हिसाब से, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारी जगहों पर मेरी वीडियोज़ देखी जाती है, इवन यूएसए, कनाडा एंड वन मोर आई थिंक मुझे किसी ने बताया था कि मैं यहाँ से आपकी वीडियोज़ देखती हूँ। तो कुछ जगहों पर तो मुझे पता है कि इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएस में, कनाडा में, इन जगहों पर प्लस दुबई में मेरी वीडियोस देखी जा रही है। तो दुबई का टाइम सुबह 10 बजे का है एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे। फॉर अदर कंट्रीज़ यू जस्ट हैव टू चेक आउट अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर एंड अकॉर्डिंग टू द सॉरी डेट, क्योंकि वहाँ पर दिन एंड रात का फ़र्क होता है। तो नाउ इट्स टाइम टू गुड बाय एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे मिल गया है मेरा पर्सनल लैपटॉप, मेरा पर्सनल माउस एंड मेरा पर्सनल आईपैड, सॉरी एयरबड्स। सो थैंक यू सो मच अपनी वीडियोस को, सॉरी अपनी दुआओं में, नॉट वीडियोस में, बहुत बहुत वीडियोस बोल दिया। तो अपनी इसको देखो, मुझे ग्लासेस भी आ गए तो इसको उतार देते हैं और फाइनली गुड बाय करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे बहुत 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 याद रखिएगा। मेरी वीडियोस का वेट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।